हेलो एवरीवन, मैं हूँ पाल विश्वास और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आई हूँ इंदिरा डैम। लखनऊ की फेमस प्लेस की बात करें तो इंदिरा डैम का नाम भी आता ही आता है। ये लखनऊ की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में से एक है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत नजारा है। इंदिरा डैम से सूर्यास्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, आइए आपको दिखाती हूँ। और अपने कैमरे में इस खूबसूरत नजारों को कैद करना बिल्कुल ना भूलें। लखनऊ में आप जब भी आए इंदिरा डैम जरूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। इसमें दूर तक से पानी ही पानी और चारों तरफ की हरियाली आपको रोमांच से भर देगी। दोस्तों, पानी की तेज लहरें जिन पर सूरज की गिरती किरणें आपको मन मोह लेगी। इंदिरा डैम इंजीनियर्स का अद्भुत नमूना है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ, आइए आपको दिखाती हूँ। की बात करें तो ये 382 मीटर है और जमीन से इसकी हाइट की बात करें तो 15 मीटर ऊपर है। अभी दिखाती हूँ आपको, मैं आपको इधर दिखाती हूँ। मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो ये सब जानकारी मुझे मिली जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से कई जिलों का पानी जाता है इस नहर से। इंजीनियर्स का बनाया हुआ वो अद्भुत नमूना है, वो इसलिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये डैम अद्भुत इसलिए है क्योंकि नीचे गोमती नदी है और ऊपर नहर है। जी हाँ, नीचे गोमती नदी है और ऊपर शारदा नहर है, ये देखिए। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने और मौज मस्ती करने के लिए एक अच्छा प्लेस है। ये इंजीनियर्स का अद्भुत नमूना है, नीचे गोमती नदी है और ऊपर नहर है। खास बात है इस डैम की, और इस नहर से यूपी के कई जिलों में पानी जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये 1973 में इसका निर्माण हुआ है और इसे बनने में पूरे 5 साल लग गए थे। 1973 से 1978 में ये पूरा तैयार हुआ था। यहाँ पर बहुत अच्छा नजारा है, ये मेरे घर से बहुत दूर था दोस्तों, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। मैंने जगह पर बहुत सुना था और बहुत मैं जानना भी चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। बहुत ही शांति है यहाँ, सुकून मिलता है। लॉकडाउन है फिर भी लोग आए हुए हैं, लॉकडाउन नहीं होता तो और भी बहुत सारे लोग होते। और यहाँ पर दो ब्रिज है, जो किसान पथ का है और एक नहर का है, देख रहे हो आप। यहाँ पे किसान पथ के जस्ट बगल में ड्रीम वैली पार्क है। ये एक थीम पार्क है जो अपना प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहाँ हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग होती है, बट इस वक्त बंद है। साथ ही यहाँ पर नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका समेत यहाँ पे 5 वाटिका है, जो इस पार्क को दूसरे पार्क से अलग दर्जा देती है। आपको ये जगह कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश रहेगी आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।